अब जो इंद्रियां तो मन के वशीभूत हैं, तो अब हम लोग जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, थोड़ी बहुत सेवा भी करते हैं, तो फिर तो मन हमारा कंट्रोल हो जाना चाहिए। तो फिर अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं हुआ हमारा मन? यही क्वेश्चन है ना आपका? हाँ, ओके। पहली बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि मन कंट्रोल नहीं हुआ हमारा। हम जहाँ से शुरू हुए थे और आज हम जहाँ पर हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका। पहले हम अंधाधुंध भोग में लगे हुए थे, उल्टे सीधे काम कर रहे थे, 24 घंटे टेंशन तनाव में रहते थे। अब हालात बदल चुके हैं, अब हमारा मन पहले से काफ़ी शांत हो चुका है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अभी पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। तो पूरी तरह से कंट्रोल अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इतने जन्मों की हमारी जो कलमश हमारे हृदय में लगे हुए हैं, वो कलमश हटने में टाइम लगता है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग नाम प्रभु, हरि नाम प्रभु के प्रति अपराध भी तो करते रहते हैं, नाम अपराध में भी तो फंसे रहते हैं हम लोग। तो उसके कारण भी जो है हमारी जो प्रोग्रेस है स्लो बेसिकली हो जाती है, रुकती नहीं है लेकिन स्लो हो जाती है हमारी प्रोग्रेस। और फिर हम गुरु के आदेशों का भी हम पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते। और जितने हम हमारे में क्षमता या योग्यता है उसके अनुसार हम सेवा भी नहीं करते हम तो, क्योंकि हम अब काम चोरी भी दिखाते हैं हम, जो हमें जितना करना चाहिए था हम सोचते हैं। फिर एक्चुअली में क्या होता है कि डिवोटी जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि सेवा करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं, लेकिन अब वो जाने अनजाने में क्या करते हैं कि वो अपने आसपास के भक्तों के साथ अपनी तुलना करते रहते हैं। क्योंकि तुलना करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा माइंड उसके मतलब हमारे माइंड में फिक्स है कि जैसे हम किसी से मिलेंगे हम तुरंत उससे अपनी तुलना करनी शुरू कर देते हैं, चाहे रिश्तेदारों, दोस्तों, भाइयों 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 के अंदर तुलना चलती है, बहनें आपस में तुलना करते रहते हैं किसके पास ज़्यादा पैसा है, कौन ज़्यादा सुखी है। ये काम तो हमारा माइंड पहले से प्रोग्राम्ड है तुलना करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जब डिवोशन में भी आते हैं अच्छी भली सेवा करते हैं, लेकिन फिर अचानक एक दिन क्या होता है कि हमारा माइंड बोलता है, यार तू तो बहुत काम कर रहा है भाई, दूसरों को देख, वो तो आते हैं खाते पीते हैं, मौज लेते हैं, इधर बात की उधर बात की निकल लेते हैं, उनकी जय जयकार भी हो रही है, तुम लगे हुए हो काम करने में। जैसे ही ये तुलना माइंड हमें फेंकता है वैसे ही चेंज हो जाता है हमारा माइंड। अब हमारे में वो उत्साह नहीं रहता, हम बोलते हैं कि हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि वेल आए इतना सेवा किए जा रहे हैं क्या, बिल्कुल एकदम पागलों की तरह काम कर रहे हैं, दूसरे तो कर नहीं रहे, हमें क्या पड़ी है अकेले को ऐसा करने की। फिर हमारे घर वाले भी हमें हवा देते हैं, वो बोलते रहते हैं, वो बोलेंगे घर वाले तो मतलब इतने हमारे हितैषी हैं, कभी हमें वो नहीं चाहते कि आप कभी भी आप बाहर निकल जाओ इस भौतिक जगत से। वो घर वाले हमारे यही सोचते रहते हैं कि हम भी पिले रहेंगे तुम भी पिले रहो, ना हम निकलेंगे ना तुम्हें निकलने देंगे। जैसे बिच्छू होते हैं ना, वो बिच्छू ना तो खुद निकलते हैं गड्ढे में से, ना दूसरे बिच्छू को कोई निकलने वाला होता है ना, उसको भी खींच के वापस गड्ढे के अंदर ले आता है, तू भी आ जा भाई इधर, तू कहाँ जा रहा है, हम भी यहीं पड़े हुए हैं, तू भी यहाँ पड़ा रहा है। तो बस इस चक्कर में क्या है कि हम वो जो हम कर सकते हैं जितनी हमारी क्षमता है वो हम कर नहीं पाते। और फिर दूसरी बात यह है कि हमें समाज का, घर वालों का एक माइंड में एक प्रेशर सा रहता है। तो हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रिटायरमेंट लेना भी चाहें तो वो इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड के ऊपर कि हम वो डिसीजन ही नहीं ले पाते, अटके रहते हैं। अब जरूरत नहीं है, कई लोगों को तो चलो जरूरत है, अब जिम्मेदारियां आ गई सिर पे, अब बच्चे हैं, बच्चे जब तक सेटल नहीं होंगे, पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ चल रही हैं तब तक चलो अब
क्या करें, करना ही पड़ेगा। लेकिन कई लोग जो कर सकते हैं, जो अब सक्षम है, पैसे वैसे उन्होंने भगवान के दया से इकट्ठे कर लिए, सेव कर लिए, वो फिर भी पता नहीं क्यों लगे रहते हैं। वो एक समाज का प्रेशर, एक रैट रेस में मतलब वो अंदर फंसे रहते हैं। तो इस कारण से ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो फैक्टर्स के चलते जो हमारे मन पे हमारा पूरा कंट्रोल आ जाना चाहिए था, हम एक्चुअली में एक्सक्लूसिव डिवोशन नहीं कर रहे हैं ना। हम जो एक मतलब भाई कुछ नहीं पता हमें, हम नहीं जानते किसी चीज़ को, बस एकांतिक भक्ति हम भगवान की, एक टक होके भगवान की भक्ति करेंगे, वो श्रद्धा हमारे हृदय में विकसित नहीं हो पाती ना, उसमें टाइम लगता है। जब तक टाइम लगेगा तब तक लगे रहेंगे हम, तब तक हमारा मन हमें कोई ना कोई उल्टे सीधे विचार हमारे पर फेंकता रहेगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि प्रोग्रेस नहीं हुई, बहुत प्रोग्रेस हो गई। अब आप लोग एकाची को अन्नी खाते, अब आप लोग जो ये अंडा प्याज लहसुन चार नियमों का आप लोग पालन करते हो, भगवान को जो आप जो खा रहे हो, भगवान को भोग लगा के खा रहे हो, ये सारी बातें मन के बिल्कुल अगेंस्ट है। लेकिन आपने मन की ये बातें माननी छोड़ दी आपने, तो आराम से गाड़ी चल रही है, अब मन आपको इन बातों के लिए परेशान भी नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम अपने जीवन को ढालेंगे, वैसे वैसे हम मन के बाकी के प्रेशर से बाहर निकल पाएंगे। टाइम लगेगा, हमें उसके लिए एक्टिवली कदम उठाएंगे, ऑटोमेटिकली नहीं होता। प्रेरणा मिलती रहेगी आपको भक्ति में आने से, लेकिन आपको सामने से कॉन्शियसली एफर्ट करने पड़ेगी, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे तो होगा। ठीक है अरे आप 1% भी बहुत बड़ी बात है, हम 1% भी नहीं कर रहे एक्चुअली अगर देखा जाए। ओके, सो चैंटिंग करते हैं तो सुख मिलता है, सर्विस में सर्विस मिलती है तो थोड़ा तनाव स्ट्रेस आ जाता है। तो हालांकि शिला प्रभुपाद ने बोला है चैंट एंड बी हैप्पी, लेकिन एक्चुअली में ये तो लोगों को लुभाने का स्लोगन है। एक्चुअली में तो जो सच्चाई है, जो सच्चाई है कि चैंट एंड क्राई, कि आप जप करो और रोना निकलना चाहिए आपका। और अगर चैंटिंग करके हमें सुकून मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी चैंटिंग ठीक नहीं हो रही। हम अगर हम जप करेंगे तो जप करने से हमारे मन में चिंता आनी चाहिए कि हम सेवा नहीं कर रहे भगवान की, हमें सेवाएं करनी है भगवान की। तो अच्छे जप का प्रभाव सुकून नहीं होता, अच्छे जप का प्रभाव आपके मन में सेवा करने की एंग्जाइटी, सेवा करने की चिंता आपके हृदय में घर बनाएगी अपना। तो अगर आपको सेवा करते समय एंग्जाइटी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, अपनी इस एंग्जाइटी को, अपनी इस चिंता को बढ़ाओ। और ये जो चिंता है, जहर को जहर काटता है। जो भगवान की सेवा की चिंता है वो भौतिक संसार की चिंता को काटेगी, तो जाके आप अंततः आप सुख का अनुभव करोगे। और भगवान भगवद गीता में कह भी रहे हैं जो सतोगुणी सुख होता है, शुरू में विष की तरह लगता है, बाद में सुख देता है। तो आपको जप करते समय सुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। जप करने का परिणाम है कि आपको और चिंता आनी चाहिए मन में कि मुझे और जप करना है, या मुझे अपनी सेवाओं को बढ़ाना है, तो माना जाएगा आपका जप ठीक हो रहा है। तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है आपको। ठीक है प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी वो जैसे कि जो सरिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी थे, वो कहते, वो जो एक स्टेटमेंट कह रहे थे प्रभु जी की, जो मन को 100 जूते मारो सोने के, हाँ। सोने से पहले और उठने के, प्रभु जी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए प्रभु जी, कैसे क्या मतलब, कैसे
अच्छे समझ जाएंगे ना प्रभु जी क्या नहीं नहीं ये तो अभी पूरा चैप्टर इसी को हम बात कर रहे हैं ना, पूरा चैप्टर आज का यही है कि आप मन को 100 जूतने मारने का मतलब है आप मन की बातों को नकार दो। जूते मारने का मतलब ये है, अब मन को हम लिटरली तो हम जूते मार नहीं सकते कि ये रहा मन पकड़ के जूते मारने शुरू कर दे। मन को जूते मारने का मतलब है मन का अपमान करो। तो मन का अपमान कैसे होगा? अगर अपमान आप कैसे करोगे, अगर आपने किसी का अपमान करना है आप उसकी बात मानना बंद कर दो, अपमानित हो जाएगा वो। तो मन को जूते मारने का मतलब है आप मन की बातों को नकार दो। आप बोलो हम नहीं मानेंगे भाई तुम्हारी बातें, तुम हमारे दुश्मन हो। तो ये बात बार बार अपने मन में सुबह शाम लेके आना, सुबह शाम लेके आना। इसी को ये अभिप्राय है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की स्टेटमेंट लगा कि मन को सुबह शाम, सुबह सोते ही जैसे उठो तो जूतों से पिटाई शुरू कर दो मन की, और रात को शाम को विश्राम करने से पहले फिर उसको पिटाई करो मन की, और फिर रेस्ट करने के लिए जाओ। तो यही बात जड़ भरत कह रहे हैं कि डिसओबे द ऑर्डर्स ऑफ माइंड, अपने मन के जो निर्देश हैं उसको नकार दो, नहीं मानेंगे कर लो क्या करना है, तो जाकर मन शांत होगा, तो जाकर आपको सुख का अनुभव करने देगा वो। ओके okay?